हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। तो लिस्ट वन में दे रखा है जीन ए, दूसरा दे रखा है जीन वाई, तीसरा है जीन आई एंड लास्ट है जीन जेड। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट को। ही जो है कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीन ऑफ लैक ओपेरॉन क्या है, लैक ओपेरॉन क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है कंसिस्ट होता है वन रेगुलेटरी, वन जो है इसमें रेगुलेटरी जीन होता है जिसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। आई से जो है क्या कर सकते हैं, डिनोट या कह सकते हैं आई जीन। और इसमें थ्री जो है स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। थ्री क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ये होता है जेड, उसके बाद होता है वाई एंड ए। अब जो आई जीन होता है, आई जीन होता है वो कोड करता है रिप्रेशर के लिए। ये किसे कोड करता है, रिप्रेशर के लिए। अब वही अगर हम जेड जीन की बात करें, जेड यहाँ पे जो जेड है जो स्ट्रक्चरल जीन में आती है, ये जो है कोड करता है एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। और इसका जो काम होता है, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेक्राइड लैक्टोस। जो लैक्टोस शुगर होती है, लैक्टोज को उसे यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज करता है इनटू मोनोमेरिक यूनिट्स, जैसे कि गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या होगा, गैलेक्टोज साथ ही साथ ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। अब दूसरा अगर हम बात करें, जो वाई होता है, वाई जीन जो है कोड करता है परमीएज एंजाइम को, परमीएज एंजाइम को। और ये हेल्प करता है टू इंक्रीज दी परमियाबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टी गैलेक्टोसिडेज। पर जो है मियाबिलिटी, यहाँ पे परमियाबिलिटी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसका, बीटा गैलेक्टोसिडेज का। अब यहाँ पे अब आई ए की बात करें तो ये एनकोड करता है एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज को, एसिटाइलेज को। तो यहाँ पे ऑप्शन में चले, पहला जो जीन ए दे रखा है तो हमने देखा जो जीन होता है वो किसके लिए करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। यानी कि जो यहाँ पे लिस्ट टू में दे रखा है टू ऑप्शन, वो हमारे ए के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीन वाई जो है किसके लिए करता है, परमीएस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बी के लिए। उसके बाद जीन आई जो है किसके लिए होता है, रिप्रेशर प्रोटीन, यानी कि फोर ऑप्शन हमारे सी ऑप्शन के लिए हो जाएगा। एंड जीन जेड किसके लिए था, बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो यानी कि ये डी ऑप्शन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ए का थ्री दे रखा है, ए का थ्री क्या है, परमीएज, जो गलत होगा। बी का वन, सी का फोर एंड डी का टू, ये गलत होगा। अगेन बी ऑप्शन है, ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर, डी का थ्री, ये भी गलत होगा। सी है ए का टू, यानी कि जीन ए दे रखा है ट्रांस एसिटाइलेज, ये सही है। बी है थ्री, सी फोर एंड डी वन, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी है, ए थ्री, बी फोर, सी वन एंड डी टू, ये क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड। 12 बेस्ट ऑफ लक।